प्रथमतः मी सर्व आपल्या दर्शकांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. 2020 हे पूर्ण कोविडच्या वातावरणामध्ये काय परिस्थिती होईल याची कोणालाच कल्पना नसताना शहरातील नागरिकांनी खूप मोठं योगदान दिलं, त्याच्याबद्दल शहरवासियांचं मी आभार व्यक्त करतो. त्यांना येणारं हे 2021 वर्ष सुख समृद्धी आणि भरभराटीचं जावो असं मी त्यांना शुभेच्छा देईन. आज प्रामुख्याने आम्ही नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2017 साली सातवं वेतन आयोग हा मंजूर करणारी ही पहिली महानगरपालिका माननीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली माननीय महापौर जयवंतजी सुतार साहेबांनी घेतलेला निर्णय, त्याचा पाठपुरावा आम्ही सातत्यानं श्रमिक सेना या युनियनच्या माध्यमातून आम्ही करत होतो. आम्हाला यश आलं, परंतु एक टप्पा आमचा पूर्ण झाला आणि त्याच्यामध्ये आम्ही लक्षात आलं की परिवहन सेवेला तो लागू झाला नव्हता. आमचे युनियनचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व सदस्य, मग ते तुरबा डेपो अगर असेल, आसुळगाव डेपो अगर असेल, घनसोळी डेपो अगर असेल, या सर्व ठिकाणच्या सदस्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला. आणि आपण बघितलं असाल की कोविडच्या कालावधीमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन सेवेने खूप चांगलं काम केलं. छोट्या मिनी बस ह्या ॲम्ब्युलन्ससारख्या वापरल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी कर्मचारी यायला तयार नव्हते, कर्मचारी आपल्या गावाला घरी बसले होते. कोणाला माहीत नव्हतं, कारण त्यांच्या कुटुंबाला चिंता होती की माझा पती, माझा मुलगा, माझा भाऊ, माझी काही आपल्या महिला भगिनीसुद्धा कर्मचारी आहेत आपल्या इथे, उद्या त्यांच्या जीवाला काय झालं तर काय होणार त्यांच्या परिवाराचं. आणि म्हणून माननीय आयुक्तांच्या मागे लागलो की 50 लाख रुपये, जर उद्या त्यांच्या दुर्दैवी काही मृत्यू झाला तर 50 लाख रुपये त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा मोबदला मिळावा. आणि ते आपण यशस्वी झालो. आज अशा परिस्थितीमध्ये हजारो कामगारांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेचा पाठपुरावा केला, त्याच्यामागे परिवहन सेवा चांगली निमित्तानं वापर त्याचा झाला, लोकांना त्याचा सहयोग झाला. आपण बघत असाल की कोरोना कालावधीमध्ये सुद्धा नगरपालिकेचं उत्पन्न हे चांगलं असावं, कारण परिवहन सेवा ही प्रॉफिटमध्ये नसते. आणि म्हणून सातवं वेतन आयोग लागताना माननीय आयुक्तांनी, मग ते पूर्वीचे आयुक्त असतील किंवा आत्ताचे आयुक्त असतील, आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न सातत्यानं झाला. आणि आम्ही आणि आमच्या टीमनी त्यांना व्यवस्थितरित्या कसं योग्य आहे याच्या संदर्भामध्ये लेखाजोखा दिला. माननीय आरदवाडसाहेब जे जनरल मॅनेजर आहेत त्यांच्याशी सातत्यानं पाठपुरावा केला. आणि आज मला नक्कीच सांगायला आनंद होतो की गणेश नाईक साहेब हे सातत्यानं दर आठवड्याला येत होते, त्याच्यामध्ये ते सातत्यानं परिवहन सेवेचे जे कर्मचारी आहेत त्यांचा जो हक्क आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे. आणि त्याच अनुषंगानं आज इतक्या प्रयत्नाला यश आलं. 2017, 2018, 2018, 2019 आणि 2019-20 असं सातत्यानं पाठपुरावा केला. आणि आज हा जो सातवा वेतन आयोग आहे हा महानगरपालिकेच्या सर्व परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांना लागू झाला. मी माननीय आयुक्त साहेबांचा धन्यवाद करतो, आमचे कॅफो साहेब आहेत त्यांचा धन्यवाद करतो, जनरल मॅनेजर साहेबांचा धन्यवाद करतो, माननीय गणेशजी नाईक साहेब असतील, संदीपजी नाईक असतील, माननीय महापौर जयवंतजी सुतार असतील आणि आमचे सर्व सहकारी असतील, तसंच सर्व पक्षाचंसुद्धा आम्ही धन्यवाद करतो. कारण याच्यामध्ये कुठलं जात धर्म पंथ पक्ष नाही, सर्व पक्षाचे नगरसेवकांचं श्रमिक सेनेच्या वतीनं आम्ही धन्यवाद करतो की सर्वांचं सहकार्य. शेवटी परिवहन सेवा कोणाची आहे, ही सर्वांची आहे, या शहरातले नागरिक हे सर्वांचे आहेत. आणि त्याच अनुषंगानं आज हा वेतन आयोगाचा जो काही लाभ झालेला आहे त्याची फरकाची रक्कम ही टप्प्याटप्प्यानं दिली जाईल. मागचासुद्धा जो 6वा वेतन आयोगाचे काही रक्कम बाकी होती तीसुद्धा अंतिम टप्प्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 7वा वेतन आयोग लागू करून त्यांना मोबदला त्यांना त्याचा फायदा देणारी ही पहिली महापालिका ठरलेली आहे. जसं नवी मुंबई महापालिका देशामध्ये तिसरा महाराष्ट्रात नंबर 1 येण्यासाठीच्या अनुषंगानं पुन्हा प्रयत्नशील आहे, त्याच्यामध्ये परिवहनचं सुद्धा योगदान आहे. आणि मला विश्वास आहे की काही दिवसापूर्वी मी स्वतः माननीय संदीपजी नाईक आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी काही लेखाजोखा माननीय आयुक्त साहेबांच्याकडे ठेवला की आम्हीसुद्धा 25 वर्ष महानगरपालिकेचा कारभार करत असताना आता बॉडी नाही आहे, म्हणजे आपली जी एक या ठिकाणी नगरसेवक जे आहेत ते नसल्यामुळे ही जबाबदारी प्रशासनावर येत असते. आणि म्हणून आम्ही एक या शहराचे हितचिंतक शुभचिंतक म्हणून काही लेखाजोखा दिलेला आहे, कारण बजेट नाही आहे आपल्याकडे तशा पद्धतीचं. आणि म्हणून माननीय आयुक्तांना सांगितलेलं आहे की कमी खर्चामध्ये लोकांना चांगली सेवा देण्याच्या अनुषंगानं परिवहन सेवा
या ठिकाणी प्रयत्नशील राहील। मला एक दुसरी आनंदाची बातमी आपल्याला सांगायची आहे की कालच माननीय जावडेकर साहेबांच्याकडून कार्यालयातून आम्हाला फोन आला। काही दिवसापूर्वी माननीय गणेशजी नाईक साहेबांनी जावडेकर साहेब जे आपले केंद्रीय मंत्री आहेत पर्यावरण, त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांनी आपला जे 100 इलेक्ट्रिक बस नवी मुंबई महापालिकेला देऊ करण्याचं जे सांगितलं होतं त्याला तत्वतः मान्यता बोर्डाने दिलेली आहे आणि लवकरच त्याच्या संदर्भातलं पत्र आपल्या महानगरपालिकेला मिळेल। म्हणजे नवी मुंबई महापालिका जी आता आपण वाचत असाल की मुंबई आसपासमध्ये प्रदूषण खूप झालेलं आहे असं पेपरात वाचतो, टीव्हीत वाचतो, तर ते प्रदूषण कमी होण्यासाठी शहर वाहतूक डिझेलची आणि गॅस CNG बस न चालवता इलेक्ट्रिकची बस चालवण्याच्या अनुषंगानं आपण प्रयत्न केला आणि मला वाटतं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये BST आणि नवी मुंबई महापालिका या दोनच महापालिकांमध्ये इलेक्ट्रिक बस आहेत, दुसरं कोणाकडे इलेक्ट्रिक बस नाही आहेत। तर आपला प्रयत्न आता आपण त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी 100 बस हे नवी मुंबई महापालिकेला इलेक्ट्रिक बस देण्याचं तत्वतः मान्यता केलं, त्याची मान्यता आपल्याला मिळाली। तशाच पद्धतीनं आपल्या नवी मुंबई महापालिकेचं वाशी डेपो हा नवीन निर्माण करून तिथे भाडं आपल्या पालिकेला परिवहनला मिळेल, जेणेकरून स्वतःच्या पायावर परिवहन सेवा उभं राहील। हा जो नाईक साहेबांचा विचार होता त्याची NOC ना हरकत तोसुद्धा नवी मुंबई महानगरपालिकेला आज मिळालेला आहे। त्याच्यामुळे ह्या नवीन वर्षामध्ये आपण सर्व मंडळी रोमनापूर्ण कामाला लागलेलो आहोत। आपला प्रयत्न आहे की हे शहर पुन्हा आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं एक नंबरवर राहील आणि ही परिवहन सेवा त्याचाच एक भाग म्हणून आमचं योगदान राहील। पुन्हा मी सर्व माननीय आयुक्त साहेबांचं, जनरल मॅनेजर साहेबांचं, गणेशजी नाईक साहेब असतील, संदीपजी नाईक असतील, माननीय महापौर साहेब असतील, या सर्वांचं युनियनच्या वतीने धन्यवाद करतो आणि आम्ही नवी मुंबईच्या जनतेला शब्द देतो की चांगली परिवहन सेवा, सुंदर परिवहन सेवा हे आमचे सर्व अधिकारी कर्मचारी चालवून लोकांना आनंद देतील असा विश्वास व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना पुन्हा 2021 नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। देखिए मुझे पूरी यकीन है, भरोसा है, बल्कि मैं इस बात के ऊपर पूरा ठाम हूँ कि ये परिवहन सेवा हज़ारों, यानी कि अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 हज़ार लोग हैं जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कंडक्टर ड्राइवर है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हैं, थोक मानदंड के ऊपर करने वाले हैं, परमानेंट है, जिसमें कंडक्टर ड्राइवर TC चेकर सभी अधिकारियों तक को इसको फायदा। देखिए कि कोई भी काम करते वक्त, देखिए कॉरपोरेशन नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि वहाँ उसको प्रोडक्शन बनाया और उसको सेल किया, ये जनसेवा करने वाली एक संस्था है और इसमें भी लोगों का हित हम रखते हैं। नाईक साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि इस शहर में रहने वाला जो कर्मचारी है, गरीब है, आज वो कई सालों से भाड़े के घर में रहता है, आज उसको उसके परिवार को घर चलाना बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ये जो 7वां वेतन आयोग लगा है इससे उसकी जो हर महीने को उसको जो सैलरी मिलने वाली है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, उसके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, उसके घर परिवार को अच्छी सेवा दे सकता है, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से इस नगर पालिका के महानगर पालिका के कर्मचारियों को होगा। और ये सिर्फ नाईक साहब ने माननीय आयुक्त साहब को पिछले हफ्ते में कैलकुलेशन करके, हमने सब ने मिलकर कैलकुलेशन किया कि ये देने से पालिका का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, और ऐसा हुआ है कि एक घर में 4 भाई रहते हैं और 3 भाइयों को उसको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना दे रहा है और एक भाई को बोलते कि भैया तू, तेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम इसमें अभी तक लायक हो नहीं। परिवहन को ही सिर्फ नहीं मिल रहा था, बाकी के सब लोगों को 2017 से मिल रहा है। तो हमारा कहना था कि भाई ये सब कर्मचारी अपने ही है, अगर इस शहर के सभी कर्मचारियों को अगर 7वां वेतन आयोग मिल रहा है तो भी इन लोगों की क्या दुश्मनी थोड़ी है, इनकी गलती नहीं है। सिर्फ ये परिवहन सेवा उपक्रम जो है ये ऐच्छिक होता है, ये मैंडेटरी नहीं है करके इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके कैफो अलग होते हैं और उसके लिए वो कैफो क्या बोलते हैं कि अगर हम ये बढ़ोतरी करेंगे सैलरी में तो हर साल की आमदनी हमारी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, फिर वापस कॉरपोरेशन के ऊपर इसका बोझ आ जाएगा।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब ने इसको थोड़ा सा देना तो पड़ने वाला ही था, लेकिन इसके लिए 2 साल लगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि नाइक साहब ने जिस तरीके से पिछले कई सालों में इस शहर के इनवर्ड एंड आउटवर्ड, आने वाला इनकम और जाने वाला खर्चा, इसका बराबर बैलेंस रखा है। स्टैंडिंग कमेटी हो, जनरल बॉडी हो, इसमें हम देखते हैं कि शहर के लोगों से हम जब टैक्स वसूल करते हैं तो वो आने वाला पैसा सही इस्तेमाल हो, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से निगरानी नाइक साहब ने अपनी टीम के माध्यम से की है, और ये पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। वरना बाजू में तो कितने शहर हैं, वो शहरों को क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे ही शहर को क्यों मिल रहा है? इसका कारण ही ऐसा है कि हम आने वाला जो हमारा इनकम है इसको सही ढंग से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा क्रेडिट है। माननीय आयुक्त साहब ने भी इस चीज़ को उन्होंने मान्य किया है, उन्होंने इस चीज़ को दोहराया है कि सही वक्त में, सही समय पे, सही चीज़ों का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह से महानगर पालिका आज हम इस चीज़ तक पहुंच गई है, इसीलिए हम ये 7वां वेतन आयोग दे पा रहे हैं। मुझे धन्यवाद करता हूँ माननीय गणेश जी नाइक साहब का, संदीप जी नाइक है, माननीय हमारे जयवंत सुतार साहब, महापौर साहब का, और सभी पार्टी के नगर सेवक, माननीय आयुक्त साहब का, जनरल मैनेजर जी और सभी टीम का धन्यवाद करते हैं कि श्रमिक सेना को ये आज यहाँ बहुत अच्छी खुशखबर देने के लिए मौका दिया गया। माननीय आयुक्त साहब ने हमारे को इस बात को भी कहा कि अगर कॉरपोरेशन यानी कि परिवहन की जो सेवा है ये अच्छी तरह से हमारे कर्मचारी चलाएंगे तो उनका जो डिफरेंस है, उनको जो पैसा देने का जो 5 साल में देने का है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम 4 साल में देंगे। तो उनकी कोशिश यही रहेगी हमारे सभी कर्मचारियों की, और हम नवी मुंबई की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अच्छी सेवा, सुरक्षित सेवा, और लोगों को लगेगा, उनको अभिमान होगा कि भाई इस शहर की परिवहन सेवा अच्छी तरह से चल रही है, ऐसा अभिमान हमारे सभी लोगों को लगेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। कोरोना काल में सभी कर्मचारियों ने, कंडक्टर, ड्राइवर से लेकर अधिकारियों तक, सब ने अपना योगदान दिया है। ये नवी मुंबई की परिवहन सेवा ये स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देगी, और ये 2021 साल हम सब के लिए उन्नतिमय, आकांक्षामय और प्रगतिशील जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सब लोगों की, हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी मार्गदर्शन, सहयोग मिलता रहे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। इसको समय लगने के पीछे यही बात है कि कॉरपोरेशन की जो परिवहन उपक्रम होता है ये मैंडेटरी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि इस महाराष्ट्र में 27 तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन सबकी परिवहन सेवा नहीं है। जैसे शिक्षा है, ये मैंडेटरी है, आरोग्य मैंडेटरी है, पानी, सड़क, साफ़ सफाई, ये सब मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है कॉरपोरेशन को। परिवहन सेवा मैंडेटरी नहीं है। नगर पालिका ने ठहराव लेके ये परिवहन सेवा चालू की थी, क्योंकि हमारा शहर में पहले सिडको की एक BMTC करके परिवहन सेवा चलती थी, वो बंद हो गई। लोगों को सेवा कैसे चली, यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और शहर से लेके उनको वहाँ उनके फैक्ट्री तक जाने के लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था बनाने का काम कॉरपोरेशन होती है, क्योंकि ST स्टेट बोर्ड ST का हमारे यहाँ इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। और आज देखिए ना, नवी मुंबई नगर महानगर पालिका की परिवहन सेवा 25 साल में हम इतने आगे गए हैं कि हमारी पहले डीजल की बस थी, बाद में हम CNG बस लाए, बाद में हमने हाइब्रिड बस लाए, और अभी तो इलेक्ट्रिक बस पे आ गए हैं। तो हमारी अगर आप प्रगति देखेंगे, विकास देखेंगे, तो ऊपर लेवल तक चला गया। और इसीलिए कोई भी कॉरपोरेशन में जब इनकम सोर्स होता है और खर्चा होता है, उसका तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। माननीय आयुक्त साहब ने, पिछले आयुक्त साहब ने भी कोशिश किया था, लेकिन उसको समय लगा था। ये आयुक्त साहब ने बहुत फास्ट किया, इसलिए उनको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को आकलन किया कि भाई 5 साल में देने वाला पैसा हम कैसे जुटा पाएंगे। ये जुटा पाना ज़रूरी है। देखिए, एक बार डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको 7वां वेतन आयोग लगा रहे, और 2 साल के बाद बोले कि अभी पैसा नहीं है, तो कैसा चलेगा। एक बार आपने शुरुआत किया देने का तो उनको हर साल पैसा मिलना ज़रूरी है, और उसका गणित बिठाना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं खुद और संदीप जी नाइक, महापौर जी, सागर जी नाइक और हमारी पूरी कोर टीम, हमने उनको कैलकुलेशन किया, क्योंकि हर साल का बजट बनाने के लिए हम ही लोग बैठते हैं, आने वाला सोर्स कैसे और जाने वाला सोर्स कैसे। तो ये पिछले 25 साल से प्रैक्टिस, ये कोई 7वां वेतन, पहला वेतन आयोग नहीं है, 7वां वेतन आयोग है।
यानी कि पिछले 7 वेतन तक हमने हर साल दिया है, और अभी कोरोना काल में हमारा जो इनकम है, हमारी जो आमदनी है वो कम हुई है, लेकिन उसको अच्छी तरह से बरकरार रखना, उसमें घाटा कम होना, इसका कैसे प्रयास किया जाएगा, ये हमने पूरा कैलकुलेशन बताया, तभी तो कमिश्नर साहब ने साइन किया है। और इसलिए मैं जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उसको धन्यवाद करते हैं। देर से लेकिन दुरुस्त हुआ है, हमारे सभी कर्मचारियों को नए साल की बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय आयुक्त साहब नगर पालिका ने दी है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।